Good morning, grade 8. Our today's topic is division of polynomials. So, first is monomial with monomial. So, we will learn about how to divide monomial term with monomial term. So, we have an example 8x to the power 7 divide 2x to the power 2. We can write like this because divide can be written in the form of upon. Now, 8 is divided by 2 means 4, and x to the power 7. अपॉन एक्स टू द पावर टू तो कैन बी राइट लाइक दिस एक्स टू द पावर सेवन माइनस टू बिकॉज सेवन और टू दोनों की पावर अलग अलग है एक्स जो है दोनों की बेस सेम है तो वी कैन यूज लॉ ऑफ एंडाइसिस एक्सपोनेंट लॉ तो एक्स टू द पावर ए डिवाइड बाय एक्स टू द पावर बी कैन बी रिटर्न एज एक्स टू द पावर ए माइनस बी तो वी आर राइटिंग यर एक्स टू दी पावर सेवन माइनस टू दट इज एक्स टू द पावर फाइव सो द फाइनल आंसर इज फोर एक्स टू दावर फाइव सेम इन द सेम वे वन मोर एग्जाम्पल माइनस फिफ्टी सिक्स ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन एट ए बी सो एट इज फिफ्टी सिक्स इज डिविज बाई एट बाई सेवन टाइम तो माइनस सेवन एज इट इज देन अगेन लॉ ऑफ एंडाइसिस एक्सपोरेंट लॉ तो ए टू द पावर थ्री अपॉन ए तो ए टू द पावर टू जाएगा माइनस करने पर और यहाँ पे बी की बी बी की पावर बी से होगी ए की पावर ए से होगी तो बी टू दावर वन बचेगा तो बी एज इट इज तो माइनस सेवन ए स्क्वायर बी आंसर होगा सेकेंड इज पोलिनोमिल बाय मोनोमिल हम एक पोलिन को मोनोमिल से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ब्रेक ईच एंड एवरी टर्म विथ सिक्स एक्स एटीन एक्स टू दावर फोर सिक्स एक्स के नीचे लिखा फिर थर्टी एक्स टू दिव थर्टी एक्स टू दॉर थ्री को फिर वापस से सिक्स एक्स नीचे लिखा देन माइनस ट्वेल्व एक्सक्वेर अपॉन सिक्स एक्स तो सिक्स एक्स को बेसिकली हमने तीनों के नीचे इंडिविजुअली uh, हमने बांट दिया है ना अब सिंपल मोनोमेल विथ मोनोमेल विथ मोनोमिल हम जैसे सोल्व करते हैं मोनोमेल को मोनोमेल से वैसे सिंपल तीनों को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली uh, और बीच में प्लस साइन और माइनस साइन चलते रहेंगे तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया यह है आंसर आया ये आंसर आया इसका ये आंसर आया तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस पोलोनोमिल विथ मोनोमेल नेक्स्ट इज पोलोनोमिल बाय पोनोमिल अगर दो पेनोमिल हमें दिए दोनों डिवाइड करने के लिए तो हमें एक डिविजनल मैथड का यूज़ करना होगा डिविजन मेथड देखते हैं हम कैसे कर सकते एक्स प्लस टू जो है वो बाहर आएगा एट एक्स प्लस थ्री एक्स टू दी पावर टू प्लस फोर जो आएगा अंदर आएगा बट यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा डिग्री वाइज तो डिग्री हाईएस्ट जिसकी होगी जैसे टू हाईएस्ट पावर है तो वो पहले आएगी देन सिंगल पावर देन कॉन्स्टेंट टर्म ना हमारा टारगेट जो है वो थ्री एक्स स्क्वायर लाना है पहला टर्म क्या है थ्री एक्सक्वायर तो हमें नीचे भी थ्री एक्स स्क्वायेयर ही लाना है यहाँ पर हमारे पास एक्स है तो एक्स हमारे पास ऑलरेडी हमें एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है यानी कि एक और एक्स चाहिए तो हमें एक और एक्स जो चाहिए था वो मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आ गया है और थ्री रिक्वायर्ड था तो थ्री भी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर ताकि थ्री आ सके तो सेम टर्म आ गई अब हम साइन चेंज करेंगे बट उसके पहले हम देखेंगे कि थ्री जो है वो एक्स से ही मल्टीप्लाई हुआ है टू से तो हुआ नहीं है तो हमें थ्री को टू से भी बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लाई होगा वो करना होगा तो थ्री टू सा जा हो जाएगा सिक्स और एक्स एज इट इज तो सिक्स एक्स इसका आंसर आएगा अब हम ढूंढेंगे एक्स वाली टर्म ये रही एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म आ जाएगी सिक्स एक्स साइन चेंज होंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस होता है तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो गया तो ये तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा क्योंकि थ्री में से थ्री जाएंगे तो जीरो हो जाएगा और प्लस एट जब माइनस सिक्स से सॉल्व होगा तो प्लस टू बचेगा तो प्लस टू एक्स एज इट इज़ ना फोर की बारी तो फोर नीचे आ गया अब हमारा टारगेट जो है वो टू एक्स है फोर देखेंगे बाद में तो पहले टू एक्स लाने के लिए एक्स हमारे पास ऑलरेडी है अब सिर्फ टू की रिक्वायरमेंट है तो हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे देन व्हाट अबाउट दिस साइन ये प्लस साइन कैसा आया हमें यहाँ प्लस टू एक्स था तो हमें प्लस टू एक्स ही नीचे चाहिए था इसलिए हमने प्लस लगाया यहाँ पर तो टू एक्स प्लस टू को एक्स से इंटू करा तो प्लस टू एक्स आंसर आया बाई डिफॉल्ट टू टू से इंटू होगा तो फोर आ जाएगा तो प्लस फोर हो गया साइन चेंज दोनों में साइन चेंज हो गया दोनों टर्म सेम आ रही है ये भी और फोर और फोर भी सेम आ गई फॉर्चुनेटली तो दोनों जीरो हो जाएंगे तो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया थ्री एक्स प्लस टू तो इन दोनों का डिवीजन का जो आंसर आ रहा है वो थ्री एक्स प्लस टू आएगा तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट वी हैव वन मोर एग्जाम्पल ये हमारा सिक्स एक्स क्यूब वाला पॉलोनमल दिया हुआ है टू एक्स माइनस थ्री से हमें सॉल्व करना है उसको सेम वही उसी उसी तरीके से करेंगे हम हमें सिक्स एक्स क्यूब टारगेट था तो हमने टू इंटू थ्री करके सिक्स लाए पहले और x a की था हमें तीन चाहिए थे तो दो x और लगा दिया x के स्क्वायर लगा दिया हमने तो x क्यूब आ गया फिर बाय डिफॉल्ट थ्री एक्स स्क्वायर थ्री से इंटू होगा तो यहाँ पर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर आ गया क्योंकि स्क्वायर था और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म थ्री है तो थ्री थ्री था तो नाइन हो गई और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा लाइक दिस स्क्वायर साइन चेंज होंगे साइन चेंज होने के बाद आंसर आएगा जीरो और यहाँ पे साइन चेंज होने के प्लस हो गया है माइनस था तो प्लस हो जाएगा और सॉल्व करने पर आंसर आया माइनस फोर एक्स स्क्वायर फिर फोर एक्स और थ्री तो फोर एक्स को पहले उतारेंगे सेम यही मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हमारा आंसर ये आएगा सेम उसके आगे और एक और अप्लाई होगा तो माइनस वन आके हमारा आंसर आखिरी रिमाइंडर जीरो बचेगा सो हमारा जो आंसर आया थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द डिविजन सम्स ऑफ पॉलोनामेंट्स थैंक यू फॉर टू टॉपिक